आज रविवार को जहां राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाशिम जिले के पोहर देवी के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री के इस दौरे के खिलाफ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन रास्ते पर उतर चुका है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये स्पेशल रिपोर्ट। किसानों को उनकी फसल बीमा की बकाया राशि अब तक प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में जब तक किसानों को फसल बीमा राशि की शक्ल में उनका हक नहीं दिया जाता, तब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पोहरा देवी में पहुंचने नहीं देंगे। इस आशय की चेतावनी हाल ही में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के विदर्भ प्रमुख दामू अन्ना इंगोले ने दी है। इंगोले के मुताबिक हजारों किसानों ने रास्ते पर उतर कर मुख्यमंत्री की इस यात्रा के खिलाफ कमर कसली है। सर्वांना जय सेवालाल। सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब पोहरागड येथे उद्या येणार आहेत। माझी त्यांना विनंती आहे, जसं तुम्ही धार्मिक स्थळाला आमच्या चकाचक करून डेव्हलप करत आहात, तसंच या बंजारा समाजातले काही बांधव आमचे शेतकरीसुद्धा आहेत आणि यांच्या हजारो कोटी रुपये पीक विम्याचे थकीत आहेत कंपनीकडे, यांना दुष्काळाची मदत मिळाली नाही, ते पैसेसुद्धा आम्हाला आमचे द्या मुख्यमंत्री साहेब, तेव्हाच तुम्हाला सेवालाल महाराजाचं दर्शन घेण्याचा आणि देवीचं दर्शन घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे, अन्यथा तुम्हाला हा अधिकार नाही। तुम्ही जर इथे येण्याच्या अगोदर आमचे पैसे देत नसाल तर मात्र तुम्हाला आम्ही इथे येऊ देणार नाही। हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि तुम्हाला आम्ही इथे येऊ देणार नाही, हे ठामपणे तुम्ही इशारा समजा का विनंती समजा, परंतु ह्या बांधवांचा विचार करा। आमचं धार्मिक स्थळ जसं डेव्हलप केलं तसं आमचा शेतकरीसुद्धा डेव्हलप करा आणि आमच्या हक्काचे आमचे पैसे आम्हाला द्या, ही तुम्हाला नम्रपणे विनंती आहे, अन्यथा आमच्या रोषाला समोर जावं लागेल, हा धमकीवजा इशारा समजा। गौरतलब है कि रविवार को बंजारा समाज बंधुओं की काशी के नाम से प्रसिद्ध वाशिम जिले के पोहरा देवी में अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ की अगुवाई में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां सेवा ध्वज और संत सेवालाल महाराज के अश्वारूढ़ पुतले का अनावरण करने के साथ ही यहाँ की 593 करोड़ लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण करने आ रहे हैं। ऐसे में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने राज्य के मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध का सुर आलापते हुए किसानों के फसल बीमा का मुद्दा उठाया है। मालूम हो कि हाल ही में पूर्व क्रीड़ा राज्य मंत्री शिवसेना में प्रवेश करने वाले संजय देशमुख ने भी दिग्रस में एक चक्का जाम रैली में राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत कोणता देश? कृषी प्रधान देश आहे। इतका मरीन रमजू पटेल तुला कृषी प्रधान देश म्हणत असेल तर अरे हे पुढारी प्रधान देश आहे, हे व्यापारी प्रधान देश आहे, हे अधिकारी प्रधान देश आहे। या ठिकाणी या दिग्रस शहरामध्ये जेवढे बिल्डिंग पाहाल, एक तर पुढाऱ्याचे असेल, एक तर व्यापाऱ्याचे असेल, नाहीतर एक तर अधिकाऱ्याचे असेल, एखाद्या शेतकऱ्याची बिल्डिंग आहे ना, एकही शेतकऱ्याची बिल्डिंग नाही। आज या ठिकाणी कापसाला अतिशय कमी भाव आहे, सोयाबीनचा भाव या ठिकाणी पाडलेला आहे। नरेंद्र मोदी साहेब जॅकेट घालून त्या ठिकाणी आपल्या सभागृहात भाषण करत आहेत, परंतु आमचा शेतकरी बांधव स्वतःचा घरचा कापूस वेचून घरामध्ये त्या ठिकाणी ठेवलेला, लेकरं बाळं त्या कापसावर झोपून राहिलेला, त्या मालाला भाव नाही। आज कापसाची किंमत कमी झालेली आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये आपल्या भारतापेक्षा कितीतरी पटीनं त्या ठिकाणी भाव आहे, परंतु भारत देशातला आपला हा जो कष्टकार बांधव आहे त्यांना या ठिकाणी 7000 रुपयाच्या वर या ठिकाणी कापसाचा भाव मिळत नाही, हे अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे। म्हणून या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये शिवसेना पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी प्रत्येक तालुक्यामध्ये आम्ही रास्ता रोको आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे। गौरतलब है कि यवतमाल और वाशिम जिले में किसानों के मुद्दे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है। देखना होगा कि इस विरोध स्वर की गूंज सरकार के कानों तक पहुंचती है या नहीं। दिग्रस से NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।